बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहे हरे हु कलेश विकार। 92.7 बिग एफएम से मैं अजय आपका स्वागत करता हूँ। ये है अजमेरू रिशान और आज सबसे पहले तो महावीर हनुमान बजरंग बली पवन पुत्र के जन्मदिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हनुमान जयंती है आज और हमारे अजमेर शहर में क्या है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि बस कुछ कदम आप चलिए एक हनुमान जी का मंदिर आ जाएगा, फिर कुछ कदम चलिए एक हनुमान जी का मंदिर आ जाएगा। हम इतने सारे हनुमान जी के मंदिर तो नहीं जा पाएंगे लेकिन उनका जन्मदिन मनाने के लिए सुबह सुबह यहाँ आ गए। तो चलिए आज अजमेरू रिशान में अजय आपको लेकर के चलता है सबसे पहले घाटी वाला जी के मंदिर में। आइए घाटी वाले बालाजी का मंदिर है और जैसे ही हम प्रवेश करते हैं यहाँ आते बोलते हैं राधे श्याम की जय। तो बाबा राधे श्याम का नाम लेते हैं हनुमान जी के मंदिर में। घाटी वाले बालाजी का भी एक प्राचीन इतिहास है जैसा कि आप देख पा रहे हैं और मैं प्रसाद चढ़ा करके फिर आपको इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे घाटी वाले बालाजी के मंदिर में आते हैं ना तो हनुमान जी की जय नहीं बोलते, बोलते हैं राधे श्याम और ठीक उनके पीछे ये राधे श्याम की मूर्ति भी बनी हुई है जहां सब प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। श्याम जो बाबा हैं वो शायद यहाँ रहा करते थे उनकी स्मृति में और आज भी हम जब यहाँ आते हैं तो झाड़ा लगवाना नहीं भूलते। हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये मंदिर कितना वर्षों पुराना है? ये 500 साल पुराना है। अच्छा मेरी नजर में भगवान की क्या इच्छा है जी। और ये जो मूर्ति आई थी वो उसकी भी एक कहानी है कैसे आई थी? ये मूर्ति चलती थी ना पहले, हाँ बैलगाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी को जानता ही नहीं वो, हाँ साधु संतों ने यहाँ करने के लिए उतारा था। अच्छा की कृपा होती तो कहाँ से क्या हो जाता है। हाँ सेठ जी थे वो नरसिंह भवन भक्त थे, हमने आया है तो उन्होंने कहा मूर्ति को निकाल लो, मूर्ति का हम भोग लगाएंगे। अच्छा उन्होंने कहा साधु ने बोला अच्छा लगा लो मना जो के तैयार होते भोग ले आओ। भोग लगाया मूर्ति का, मूर्ति उठी नहीं। अच्छा साधुओं ने छांटे दिए स्वास्थ बोल दिया बोला नहीं जाऊंगा, ऐसे मूर्ति स्थापना हुई। तो यही की यही रह गई मूर्ति और हनुमान जी की, हनुमान जी यही रह गए। तो ये थी कहानी बहुत खूबसूरत सी, ये इसका इतिहास है वर्षों पुराना। फिर हमारे नरसिंह भगवान के सेठ जी वो नए बाजार नरसिंह भगवान है ना, हाँ उनकी महिमा है ये। अच्छा ये शिव जी का मंदिर बनाया उनकी छतरी उन्हीं के ऊपर बनी। छतरी के ऊपर बनाया वो भक्त थे नरसिंह भगवान के। और राधेश्याम बाबा राधेश्याम बाबा जी तो अभी खत्म, हाँ हाँ 2002 में गए थे जी, 104 वर्ष के रहे थे और इन्होंने 101 वर्ष के रहे जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, हनुमान जयंती की शुभकामनाएं, जय बजरंगबली। बाबा राधेश्याम है जिन्होंने शायद सबसे पहले स्थापना करी थी और पहले प्रथम पुजारी रहे थे। तो घाटी वाले बालाजी के मंदिर के बाद अब हम जा रहे हैं बजरंगगढ़ मंदिर पर। बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है यहाँ पर। मेरे कैमरामैन उल्टा चढ़ रहे हैं बट आज उनको शक्ति मिलेगी हनुमान जी की, क्योंकि वो ऐसे भक्त थे शायद कोई दूसरा नहीं हुआ होगा, ऐसे सेवक थे, मैनेजमेंट गुरु थे एक्चुअली हनुमान जी। चलिए आज बजरंगगढ़ मंदिर चलते हैं, दर्शन कर लेते हैं। कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है ना, जैसे जैसे आप बजरंगगढ़ की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे अजमेर का ब्यूटीफुल सीन आपको दिखता जाएगा। पीछे आना सागर, यहाँ पर वो माता जी का मंदिर, जेएलएन हॉस्पिटल,
बचपन में मम्मी ने सिखाया था कि जब भी डर लगे, शक्ति की जरूरत हो, कोई कठिनाई हो, हनुमान जी का नाम लेना। तो आज हनुमान जी का नाम लेते हुए बढ़ते, जय बजरंगबली। तो भैया हाँफते हुए आखिरकार मैं बजरंगगढ़ चढ़ गया हूँ। पीछे बारादरी और आना सागर और हमारा खूबसूरत अजमेर शहर आप देख सकते हैं। चारों तरफ अरावली श्रृंखला जिससे ये घिरा हुआ शहर है। तो चलिए अब दर्शन करने के लिए चलते हैं। बहुत सारे एफर्ट लगा करके, बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ करके बजरंग बली ने इतनी शक्ति दे दी कि मैं पहुंच ही गया। तो अब बजरंगगढ़ मंदिर पर हूँ। इतनी मान्यता है कि हर रोज ढेर सारे श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। अगर इस मंदिर का थोड़ा सा इतिहास जाने और इस मूर्ति की कुछ खासियत जाने तो कौन बता सकता है ये मंदिर कितने वर्ष पुराना होगा। मेरे साथ हैं इस समय, आपका नाम? अजीत लोढ़ा। अजीत जी, ये मंदिर का इतिहास कितना पुराना होगा? ये मराठा कालीन मंदिर है सर। हाँ। जिसको उसके बाद में हमारे पूर्वजों ने इसको रेनोवेट कराया। इनिशियली इनिशियली यहाँ पर सर्किट हाउस की जो अभी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, राइट, वो बनाने का हमारे पूर्वजों का विचार था। इनिशियली जब काम यहाँ शुरू किया गया, हम लोग वैसे जैन मत से हैं, परंतु जब यहाँ बालाजी की स्वयं गर्भित मूर्ति निकली, अच्छा, और कारीगरों ने ये चीज हमारे पूर्वजों को बताई, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से भावनाओं की, सनातन धर्म की जो धार्मिक परंपराएं हैं उनकी पूरी पूरी मान्यता रखते हुए यहाँ पर हनुमान मंदिर स्थापित करवाया। ये मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी, स्वयंभू सब, और दक्षिण मुखी बालाजी हनुमान महाराज बालाजी की है और इच्छा पूर्ण बालाजी आप एक तरह से मानिए जी। वो तो पूरा अजमेर बताता है। तो एक बार सब लोग जयकारा लगा, तो हम पंचमुखी बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज के दर पे हैं इस समय। और आगरा गेट पर ये मंदिर है जहाँ स्वयं भगवान शिव विराजमान हैं। और आप पंचमुखी बालाजी के अगर दर्शन करना आना चाहते हैं तो आगरा गेट जरूर आइए। अजय, आपको लेकर के आज हनुमान जयंती पर आ गया है आगरा गेट पर। बालाजी का मंदिर है, अभी हम बाहर भजन संध्या देख रहे थे और अब यहाँ पर सिलसिला शुरू है। हैप्पी बर्थडे हनुमान जी का मनाया जा रहा है, हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। अर्चंदेश्वर महादेव मंदिर में हूँ और यहाँ पर जो बालाजी है ना, उनका नाम है सगाई वाले बालाजी। अगर आपकी सगाई नहीं हुई है तो इन बालाजी के दर्शन को जरूर आइएगा। चलो सबसे पहले तो हनुमान जयंती की शुभकामनाएं, और जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपकी सगाई नहीं हुई है तो ये सगाई वाले बालाजी हैं। बालाजी खुद जो थे उन्होंने वैराग्य धारण किया था, आप सबको पता है, लेकिन हाँ शक्ति बुद्धि और बल के दाता हैं। हम इन्हें सगाई वाले बालाजी क्यों बोलते हैं? जिनकी बीमा में विलम्ब हो रहा है, हाँ, नहीं हो रही है, हाँ, तो भगवान तो सबका आशीर्वाद रखते हैं, राइट। भगवान राम और सीता को भी इन्होंने मिलाया, हाँ, 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 तो उस वजह से कि भाई, और विश्वकर्मा की जो थे उनकी पुत्री ने जो है एक राजकुमार से प्रेम किया था, हाँ, लेकिन वो था धरती पे और वो जो है अश्वकन्या थी, हाँ, देवकन्या थी, हाँ, तो उनको भी हनुमान जी ने मिलाया, राइट। इस आधार पे ऐसी कई घटनाएं हैं, हाँ, इतिहास में हैं, हाँ, उनको देखते हुए हनुमान जी जो है विवाह भी करा सकते हैं।
क्या बात है। तो हनुमान जी की इतनी बड़ी खासियत आपने आज पहली बार सुनी होगी। हमने ये सुना है कि उनमें वो सब था, वो सबसे बड़े सेवक थे, मैनेजमेंट गुरु थे, लेकिन ये कमाल भी इन्हीं का। जय हो बालाजी। बोलो बजरंग बली महाराज की जय हो। समय पर पहुंच चुके हैं जब हनुमान जी का जन्म होने वाला है और घाटी वाले बालाजी के बिल्कुल सामने ये हनुमान गढ़ी है जहां पर बस इंतजार है कुछ पलों का और बस थोड़ी सी देर में दर्शन होंगे, हनुमान जी का जन्मोत्सव शुरू होगा। तो अब हम दर्शन के लिए आ गए हैं और हनुमान जी का जन्म हो चुका है हमारे टाइम के अकॉर्डिंग, जब आप वीडियो देख रहे हैं पता नहीं। करंट वाले बालाजी के दर पर आया हूं और आपको उनके भी दर्शन करा देता हूं। बालाजी कोटड़ा धाम पहुंचे हैं और बस थोड़ी देर में हमें यहाँ भी बालाजी के दर्शन।